कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों मेरा नाम भूपेश आनंद है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ, IFRS लंदन का मैंने किया हुआ है और बड़े सारे लेटेस्ट न्यू इंटरनेशनल फाइनेंस के कोर्सेज में कर रहा हूँ। और मेरा ड्रीम है कि मैं अपना नाम मिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मैक्सिमम डिग्रीज के साथ लेकर आऊँ। दोस्तों आज का ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यकीन मानिए जो बच्चे CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप सेकंड में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर 19 ऑनवर्ड्स, ऐसे तो दिसंबर 19 से आगे तक ये वीडियो काम चलेगा बेटे। इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो स्टडी मटीरियल है जो इंस्टीट्यूट ने दिया दिसंबर 2019 ऑनवर्ड्स के लिए, और जो मेरी बुक है और जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है और आपको कौन सा चैप्टर कितने ध्यान से करना चाहिए, किस चैप्टर में ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, किस चैप्टर में कम देनी चाहिए। मैं अपनी चर्चा शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आपने मेरा सिलेबस वाला कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वीडियो, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वीडियो देख लिया होगा बेटे। फिर मैंने इंट्रोडक्शन दी थी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, खाली मैनेजमेंट की नहीं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमने एक फ्लोचार्ट बनाया था, मुझे उम्मीद है कि वो भी वीडियो देख लिया होगा बेटे। आज ये थर्ड वीडियो है प्रेफरेंस का, इसके बाद तो हम टॉपिक्स में, सब्जेक्ट्स में नए नए वीडियोस लॉन्च करते जा रहे और आपको देते जाएंगे बेटे। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैंने बताने की कोशिश की कि आपको जो 12 चैप्टर्स दिए इंस्टीट्यूट ने, 12, हाँ जी 12, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बेटे, 13 से 22 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, टोटल 22 चैप्टर्स आपको आ रहे हैं 100 मार्क्स में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। लेकिन मैं आज अभी 1 से 12 की बात कर रहा हूँ बेटे, 13 से 22 मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रेफरेंस में बात करूंगा। तो ध्यान से, बिल्कुल एक बात को ध्यान से समझ लें, मैंने जैसे इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें, क्योंकि जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी देने वाला हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे। आपको अगर ये पता चल जाए कि कौन सी चीज पहले करनी है बेटे, 6-6 महीने बीत जाते हैं बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट था, कौन सा पहले करना था, कौन सा बाद में करना था, किसकी रिलेशनशिप किसके साथ है बेटे, ये पता ही नहीं चलता। भूपेश आनंद ने जिम्मा लिया और आज आपको मैं वही बातें बताने जा रहा हूं कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, किसका लिंक किसके साथ है बेटे। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम 6 महीने बचा सकते हैं। और जो मेरे वीडियो लेक्चर्स आपने बाय किए हैं या करने हैं बेटे, उसमें भी आपको आसानी होगी कि आपको पता होगा कि क्या चीज मुझे पहले करनी है और क्या चीज बाद में करनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कब करने हैं बेटे। मैंने 2 बुक्स बनाई हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, 2 बुक्स बेटे आपको मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में दिखाया था, ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक अभी दिखा रहा हूँ आपको। मैंने 2 बुक्स दी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और 2 दी है बेटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेटे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की ये जो बुक है, अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है थ्योरी कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेटे। जब तक आप थ्योरी के कंसेप्ट ध्यान से नहीं समझ लोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं जान के, अभी ये पड़ी हुई मेरे पास लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव टाइप दिखा नहीं रहा, अभी दिखाऊंगा नहीं आपको, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप थ्योरी कंसेप्ट और प्रैक्टिकल करें बेटे। 1000 क्वेश्चन मैंने दिए ऑब्जेक्टिव टाइप में, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। और किस तरह से दिए, चैप्टर वाइज नहीं, उन चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट है उसके अंदर जो कैटेगरीज है बेटे, 5 कैटेगरीज बनाई है मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप की, अभी देख लेंगे। आप रजिस्टर ओपन करें, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम आज जो करने वाले हैं बेटे, पार्ट ए कर रहे हैं बेटे, 60 मार्क्स का है बेटे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है बेटे, 12 स्टडीज है बेटे, 12 चैप्टर्स है बेटे, 12 लेसन्स है। अब उन 12 का ताना बाना हम कैसे जीते, सिकंदर कैसे बने बेटे, बट आइए मैं भूपेश आनंद आपको ये बताने जा रहा हूं कि सिकंदर बनने के लिए इंस्टीट्यूट ने आप सभी को स्टडी मटेरियल दिया। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, रेलेवेंट फॉर दिसंबर 2019 सेशन ऑनवर्ड्स, क्योंकि दिसंबर 2019 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे,
पांच कैटेगरीज आएंगी अगर आप इस स्टडी मटेरियल को देखें और अगर आप कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाएं बेटे तो सिलेबस की बात करें तो जैसे मैंने अभी कहा कि 12 स्टडी मटेरियल्स बेटे 12 हैं किसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। आप देखिए मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, आपके पास स्टडी है फिर भी मैं जान के ओपन करना चाहता हूँ, आपको जगाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपको ये पेपर में आने वाला है बेटे। बीकॉम ऑनर्स में भी बीकॉम पास में भी आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग किया था, लेकिन ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो अब करेंगे थोड़ी सी हटके है। देखिए कैसे, पहली बात तो आपको उस पार्ट ए में इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोला गया बेटे, आपको 11th क्लास की फाउंडेशन की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में उन्होंने चैप्टर 1 रख दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन की बातें इसमें हम डिस्कस करते हैं, जनरल एंट्रेंस की बातें करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस की बातें करेंगे, सब्सिडरी बुक्स कैसे बनाई जाती है, लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है बेटे, कंसेप्ट क्या होते हैं, गोइंग कंसर्न क्या होता है, कन्वेंशन क्या होती है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है कि 11th क्लास का आधा 5-6 चैप्टर्स उन्होंने पहले चैप्टर में डाल दिए बेटे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अगर आप इनका डिटेल कंटेंट देखें तो आपको थोड़ी सी मेरी बात में विश्वास होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेटे। ये डिटेल्ड कंटेंट है जो चैप्टर 1 है, चेक कर लीजिए, A to Z जो मैंने बोला वही है, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं है बेटे। दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बेटे, एक कॉर्पोरेट एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनी एक्ट 2013 कैसे बने इसके बारे में बताया हुआ बेटे, इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करें, बैलेंस शीट कैसे बनाएं, कैश फ्लो कैसे बनाएं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या होती है, एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, नोट्स टू अकाउंट क्या होते हैं, कैसे AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज करें, ये सारा बेटे। मैनेजरियल रेमुनरेशन, एक मुकेश अंबानी को रिलायंस से कितने पैसे मैक्सिमम मिल सकते हैं, उसकी वाइफ नीता अंबानी को कितने मैक्सिमम मिल सकते हैं बेटे, रेमुनरेशन की बातें होंगी, डिविडेंड की बातें होंगी बेटे, बड़ी सारी अच्छी कैलकुलेशंस हैं अगर आप चैप्टर 2 को देखें। फिर चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स उन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एक ही चैप्टर बनाया। अब बेटे इसमें स्वेट इक्विटी शेयर्स भी डाल दिए, बोनस शेयर्स भी डाल दिए, बायबैक भी डाल दिया, इसके बाद इन्होंने ईसॉप्स भी डाल दिया, इसके बाद इन्होंने अंडरराइटिंग भी डाल दिया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी डाल दिया, मतलब मिक्स कर दिया बेटे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में, इतनी सारी चीजें इन्होंने डाल दी। तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि मैंने इनको कैसे बाइफरकेट किया है, लेकिन आप पहले इंस्टीट्यूट के हिसाब से देख लें, आपको 12 चैप्टर्स आ रहे हैं बेटे, 3 मैं बता चुका हूँ, 4th आ गया बेटे डिबेंचर्स का। डिबेंचर के बारे में ये एक बात खासियत है कि जब रात को छोटा सा बच्चा नहीं सोता तो माँ कहती है चुप हो जा नहीं तो डिबेंचर का टॉपिक करा दूंगी, इतना डिफिकल्ट माना गया है। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने अगर बीकॉम किया तो उन्होंने छोड़ भी दिया होगा, लेकिन बेटे भूपेश आनंद ने एक नया तरीका निकाला है डिबेंचर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम करेंगे बेटे। उसके बाद 5वां और 6वां मैं ये कहूंगा ये भी कॉर्पोरेट अकाउंटिं नहीं है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं आना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने 2 चैप्टर्स और डाल दिए, 5वां डाल दिया रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्प कंपनी अकाउंट्स। तो कुछ बातें चैप्टर 2 में इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शायद कवर नहीं हुई होगी, वो उन्होंने अलग से इसमें डाल दिया। और चैप्टर 6 बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशंस कैसे करते हैं बेटे, आप चार्टर्ड सेक्रेटरी बनने वाले हैं, आप एक फाइनेंस, आप एक मैनेजर के लेवल पे जाएंगे तो आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट दे दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दें, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, किंगफिशर की कैसे करेंगे, फेविकोल पीडीलाइट की कैसे करेंगे, नैरोलैक पेज की कैसे करेंगे, इंफोसिस की कैसे करेंगे, जेके डाइस की कैसे करेंगे। तो आपको इस चैप्टर में हमने इंटरप्रिटेशन की बातें समझानी है कि हाउ यू कैन इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटे। इसके बाद है चैप्टर 7 सबसे इंपॉर्टेंट बेटे। आजकल दुनिया आप देखें यूनिलीवर अमेरिका में है, लेकिन उसकी हर कंट्री में अलग से एक सब्सिडरी कंपनी है बेटे, जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं बेटे, एसोसिएट्स हो रहे हैं। तो अगर एक होल्डिंग कंपनी है तो किस तरह से अपनी सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को अपनी में कंसोलिडेट करेगी, मिक्स करेगी बेटे, उसके क्या रूल्स होते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए आपने अगर पहले कहीं पे किया भी है कंसोलिडेटेड, जिस तरीके से मैं कराऊंगा बेटे, आप माइंड ब्लोइंग तरीका है। अभी आप वीडियोस मैंने डालने वाला हूँ यूट्यूब में, आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे कि क्या इस तरीके से ये लॉजिक होता है बेटे कंसोलिडेटेड। हम करेंगे बेटे 7 के बाद 8वां कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपको पता है आज के रेट में एवरी कॉर्पोरेट एंटिटी अलॉन्ग विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज टू प्रिपेयर सम एडिशनल स्टेटमेंट्स। कभी आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपने देखी है किसी की,
बेटे आजकल चार पांच पेज होते हैं डॉक्टर लाल पाथ या कहीं से भी कराएं तो बेटे आजकल एडिशनल फीचर्स एडिशनल बातें भी बताई जा रही है उससे ज्यादा पता चलता है ह्यूमन बॉडी के बारे में। एक वो भी जमाना था जब खाली ब्लड टेस्ट होता था एक पेज की रिपोर्ट होती थी। एक वो भी जमाना था जब एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती थी तो बस खाली प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम बैलेंस शीट बनाकर चैप्टर क्लोज होता था। तो बेटे एक आजकल का जमाना है जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अवार्ड्स दे रहे हैं बेटे इनकम स्टेटमेंट बेटे बैलेंस शीट बेटे IFRS कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट नोट्स ऑफ अकाउंट मैनेजमेंट बेटे सब कुछ हमें देना है उसके साथ साथ हम नई स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ग्रॉस वैल्यू एडेड नेट वैल्यू एडेड मार्केट वैल्यू एडेड बेटे वो सब कुछ इसमें आएगा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेट रिपोर्टिंग में और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटे ये जो बैलेंस शीट है ना हमें नहीं बता पाती कि कितना कैश पूरे साल में कैसे रिवॉल्व हुआ क्योंकि बैलेंस शीट से तो हमें खाली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पता चलता है तो फ्लो कैसे हुआ कैश का कौन कौन सी एक्टिविटीज है ऑपरेटिंग से कितने पैसे आए इन्वेस्टिंग से कितने आए फाइनेंशियल से कितने आए और कहां चले गए बेटे उसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने कहा जी उसके बाद तीन चैप्टर्स मेरे इंस्टीट्यूट ने ऐसे डाले हैं जिसको देखकर मैं डांस करना शुरू कर देता हूं क्योंकि बेटे मैंने इसी में डिप्लोमा किया IFRS लंदन का ACCA से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट आर इंड एएस होती क्या है इंड एएस क्या है और बेटे कौन सी अथॉरिटीज बनाती है नेशनल इंटरनेशनल अथॉरिटीज कौन सी हैं जो स्टैंडर्ड्स को बना रही है और अगर इंटरनेशनल बॉडी अलग है तो वो जो बना रही है उसका नाम है IFRS और जो इंडियन बॉडी है वो बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो जो बना रही है उसका नाम है इंड एएस। अब दोनों में मिलान कैसे होगा कन्वर्जेंस कैसे होगी अडॉप्शन कैसे होगी तो बेटा तीन चैप्टर्स मेरे इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड किए हैं। देख लीजिए 9th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में 10th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11th नेशनल एंड इंटरनेशनल अथॉरिटीज who are constructing these accounting standards and 12th bete adoption of IFRS ab ye 12 chapters hain maine inko kya kiya maine inko bete apni book mein ye jo book aapko dikha raha hu maine iske 20 chote chote chapters banaye aap ghabrana mat main fir repeat karta hu 12 to study material mein hai maine uske 20 banaye hain aur bete is tarah se banaye ki unka aapas mein link ho मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत सारे उन्होंने मिक्स कर दिए कंसेप्ट तो बेटे मैंने अलग अलग बनाए। मेरा भी पहला चैप्टर इंस्टीट्यूट के पहले चैप्टर से मेल खाता है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रायल बैलेंस बेटे लेजर अकाउंट्स बेटे कैश बुक बेटे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बेटे कंसेप्ट सारे डिस्कस करेंगे। फिर बेटे मेरा भी चैप्टर 2 वही वाला है जो इंस्टीट्यूट का है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कॉर्पोरेट एंटिटी की बनती कैसे क्या फॉर्मेट है कौन सा शेड्यूल है कैसे प्रिपेयर की जाती है बेटे वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने क्या किया एक कलाकारी की आपके इंस्टीट्यूट ने चैप्टर 3 दिया शेयर कैपिटल का और उसी में सब कुछ डाल दिया चवनप्राश बना दिया बेटे मैंने चवनप्राश को संधि विच्छेद किया बादाम अलग किए काली मिर्च अलग की चांदी अलग किया जड़ी बूटी अलग की इसका मतलब 3 के मैंने 8 चैप्टर्स बनाए लेकिन हाँ नंबर मैंने वही रहने दिया 3A कर दिया 3B कर दिया 3C कर दिया 3D कर दिया 3E कर दिया 3F कर दिया 3G कर दिया 3H तक बना दिए। इसका मतलब मैंने एक ही चैप्टर 3 को अलग 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 पार्ट्स में डिवाइड किया और उनकी रिलेशनशिप के हिसाब से अल्फाबेटिकली उनको नंबर किया। जैसे 3A मैंने किया इशू फोरफीचर एंड रीशू ऑफ शेयर्स 3B बेटे उन्होंने 3 में डाल दिया मैंने इसको अलग किया बायबैक ऑफ शेयर्स बायबैक एक कॉर्पोरेट एंटिटी अपने शेयर्स बाय बैक करती है तो क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगी किस प्राइस में बाय कर सकती है बेटा 3C मैंने रखा बोनस शेयर्स। अब उन्होंने एक ही चैप्टर बनाया चैप्टर 3 उसी में सब कुछ चैप्टर 3D के बाद 3C के बाद है स्टॉक स्प्लिट रिवर्स स्प्लिट कैसे करेंगे बेटे इंफोसिस ने पता नहीं कितनी बार रिवर्स स्प्लिट किया स्टॉक स्प्लिट किया तो आइए हमने फिर राइट शेयर्स देखना है फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स देखना है और लास्ट में 3G में प्रेफरेंशियल कैपिटल एच में अंडरराइटिंग। मेरे बेटे शेयर कैपिटल के चैप्टर 3 में इंस्टीट्यूट ने ये 8 टॉपिक्स डाल दिए ये भूपेश आनंद है जिसने अलग अलग हर चैप्टर को हर टॉपिक को इंपॉर्टेंस दी और हमने हर चैप्टर को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया। अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे नहीं पता आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ कंसेप्ट्स बेटे हमने
हर चैप्टर को नंबर ऑफ कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है। बेटे बेटे कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे मैंने कहा जी पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 9 कंसेप्ट बनाए हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 12 बनाए हैं, इश्यू फॉर फ्यूचर के 21 बनाए हैं। मैंने हर चैप्टर को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया। और बेटे इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव टाइप की बुकलेट मैं आपको दूंगा, हमारे पास तो तैयार है, जो आपको मिल भी चुकी होगी, हर चैप्टर में उसको भी कंसेप्ट के हिसाब से मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डाले। बेटे पहली बार ऐसा इंडिया में हुआ है कि हर कंसेप्ट के अंदर भी ऑब्जेक्टिव टाइप। इसका मतलब आपको लगता है कि कंसेप्ट वीक है तो आप उसी कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं और भरमार दिए बेटे क्वेश्चंस की। फोर्थ अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स इंस्टीट्यूट में भी वही है। फिफ्थ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स एंड सिक्स्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरप्रिटेशंस। बेटे टोटल 12 है, टोटल 12 है मेरे बेटे। सेवंथ है कंसोलिडेशन, मैंने बताया हुआ बेटे कंसोलिडेशन अभी बताया है। एक बड़ी मछली होगी, एक छोटी मछली होगी, बड़ी मछली और छोटी मछली को कंसोलिडेट कैसे करेंगे हम चेक करेंगे। बेटे बेटे बड़ी बड़ी कंपनीज रिलायंस की पता नहीं हजारों सब्सिडियरीज है, तो रिलायंस जो एक पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, उन सभी छोटी छोटी मछलियों की बैलेंस शीट कैसे कंसोलिडेट करेगी उसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटे सीएस एग्जीक्यूटिव का जो ओल्ड सिलेबस था उसमें कंपनी अकाउंट 70 मार्क्स का था, उन्होंने क्या किया 70 के 70 मार्क्स का सिलेबस तो यहां पर लेकर आ गए सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 न्यू सिलेबस में, और एक दो चैप्टर्स और ऐड कर दिए और नंबर 70 की जगह 60 कर दिए। एक दो चैप्टर का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐड कर दिया, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐड कर दिया, पहले नहीं था, जबकि पहले थे 70 मार्क्स का, मार्क्स कम कर दिए और 2-3 चैप्टर बढ़ा दिए। लेकिन बेटे करना तो है ही, कहते हैं तूफानों से जो टक्कर ले उसे जहाज कहते हैं। बेटे जहाजों को जो गिरा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे भूपेश आनंद नहीं आप जैसा इंसान कहते हैं। बेटे जो सीएस किया है, कफन बांध लिया ना कि कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो बेटे फिर घबराना नहीं है, हम 1 क्या 10 क्या 15 चैप्टर्स कर डालेंगे और 100% अपने मार्क्स लेकर आएंगे। आइए जी 10th 11th और 12th, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये तीनों मिक्स हैं, मिलते जुलते हैं, इन्होंने बाफरेट कर दिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होती है, कौन सी अथॉरिटीज बनाती हैं और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो कन्वर्ज कब होंगी। बेटे कंसेप्ट्स भी डिवाइड किए और सारी बातें डिस्कस की। अब आपको करना कैसे, बेटे मेन मुद्दा है कि हमें पेपर में कैसे करना है, मतलब पेपर की प्रिपरेशन के लिए क्या करना है। बेटे मैंने पेजेस में चार्ट्स प्रिपेयर किए कि आपको समझ आ जाए कि बेटे किस तरह से करना है। तो प्लीज अगर आपने रजिस्टर ओपन किया है या नहीं किया तो अब ओपन कर लें। बेटे अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो आपको बातें ज्यादा समझ आएंगी। जैसे पहला कॉलम मैंने बनाया प्रेफरेंस का, दूसरा कॉलम मैंने बनाया नेम ऑफ चैप्टर्स का, तीसरा कॉलम मैंने बनाया नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स का। आप भले नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स थ्योरी कंसेप्ट्स और प्रैक्टिकल, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप वाले लेक्चर्स इंक्लूड नहीं किए, बट वो मैंने अलग से किए। उसमें हर एक चैप्टर में मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं, वो अलग से किए हैं, वो भी बता दूंगा। पहले आप ये चार्ट प्रिपेयर कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। बेटे पहली प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंट्स। बेटे पहला चैप्टर हम यही करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन के बेटे ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारे आएंगे, जनरल एंट्रीज के बारे में आप पूछा जाएगा, रियल अकाउंट के बारे में, लेजर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सब्सिडियरी बुक्स, बेटे ये करना जरूरी है, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस। बेटे पहला चैप्टर को पहली प्रेफरेंस दी और मैंने बड़े डिटेल्ड वर्जन में समझाया बेटे पहला चैप्टर, आप जो मेरे वीडियोस देखेंगे। बेटे चैप्टर प्रेफरेंस 2 देनी चाहिए फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटे यकीन मानिए इतना बढ़िया कराया कैश फ्लो स्टेटमेंट, इतना बढ़िया कराया, ऐसे ऐसे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड कराया, अगर आपने पहले भी कभी किया हुआ तो आप जब मेरे लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कुछ अलग ही ढंग से हो रहा है। तो बेटे पहली प्रेफरेंस देनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को चैप्टर 1 को, दूसरी प्रेफरेंस देनी है चैप्टर 9 को कैश फ्लो स्टेटमेंट को, और बेटे प्रेफरेंस 3 किसको देनी है, प्रेफरेंस 3 किसको देनी है। बेटे मैंने ना एक मिसलेनियस चैप्टर इंक्लूड किया है जो आपको 12वें चैप्टर के बाद मिलेगा, चैप्टर 12 के बाद मिलेगा, उसमें एक चैप्टर डाला बेटे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। आपके सिलेबस में देखो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस देखें तो 5-6 क्वेश्चंस बेटे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स के ऊपर गए हुए हैं। इसलिए ओल्ड सिलेबस में था, न्यू में उन्होंने दिया तो नहीं,
लेकिन इसके क्वेश्चंस डाल दिए, तो बेटे बहुत छोटा सा चैप्टर है, दो तीन लेक्चर्स करने हैं प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। एक तो ये करना है आपने बेटे, इसको प्रेफरेंस 3 देनी है, प्रेफरेंस 1 किसको देनी है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रेफरेंस 2 किसको देनी है, चैप्टर 9 कैश फ्लो स्टेटमेंट। टोटल चैप्टर कितने हैं 12 के बाद एक मिसलेनियस। प्रेफरेंस 3 किसको देनी है, मिसलेनियस वाले को जिसमें प्री इनकॉर्पोरेशन लिखा है। प्रेफरेंस 4 किसको देनी है, 3H को बेटे, अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्लीट अंडरराइटिंग क्या होती है, पार्शियल अंडरराइटिंग क्या होती है, फर्म अंडरराइटिंग क्या होती है, सब बताया बेटे। प्रेफरेंस 5 फिर आपके जाने पे जाने इशू फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, 3A, फिर 3B बायबैक, फिर 3C बोनस शेयर्स, फिर 3D स्टॉक स्प्लिट, फिर 3E राइट शेयर्स। बेटे ये प्रेफरेंस देनी है। एक एक दो दो लेक्चर्स के चैप्टर्स हैं, कोई घबराना नहीं है। आपको उसकी अकाउंटिंग्स, उसके लॉजिक्स, उसके कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, फिर आप आराम से ऑब्जेक्टिव टाइप कर सकते हैं बेटे। राइट शेयर्स, फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स बेटे, प्रेफरेंस 10 देनी चाहिए स्वेट, पसीने वाले इक्विटी शेयर्स। जो इंप्लॉयज बड़ी मेहनत से काम करते हैं बेटे, उनको हम कहते हैं कि तुमने हमारे लिए पसीना बहाया है, ये लो पसीने वाले शेयर बेटे, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। डिस्कस करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल बेटे। प्रेफरेंस 11 प्रेफरेंशियल कैपिटल को देना है, फिर 12 देना बेटे इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो चैप्टर 2 था, मैंने कहा जो उसको प्रेफरेंस नंबर 12 दो, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे कॉर्पोरेट एंटिटी की। अब इसके साथ साथ ही आपने क्या करना है, मैं तो ये कहूंगा कि चैप्टर 2 जो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, उसको ईमानदारी से जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको करने चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप कर पाएंगे बेटे। वहां केस स्टडीज आएंगे, आप अपना स्टडी मटेरियल देखिए ना, अभी दिखाता हूँ चैप्टर नंबर 10 में बेटे, चैप्टर नंबर लास्ट में जब 12 चैप्टर खत्म हो जाते हैं, तो बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं, केस स्टडीज का एक अलग सा स्टडी बनाया है। इसका मतलब ये समझ आता है कि इंस्टीट्यूट ने भी ये बात नोट की कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं, हम ऑब्जेक्टिव टाइप उसी के बेसिस पे देंगे। तो इस बात को दिमाग से निकाल देना कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करने बेटे। जब इंस्टीट्यूट की स्टडी खुद अलग से एक चैप्टर बना रही है और उसका नाम रख रही है कि भाई ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये केस स्टडीज आपको करके जानी है, तो फिर तो यार बिना उसके हो ही नहीं सकता, वैसे भी नहीं हो सकता। चलिए जी, चैप्टर प्रेफरेंस 13 देनी है जी, चैप्टर 7 को कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स एज पर कंपनी एक्ट। प्रेफरेंस 14 देनी है चैप्टर 8 को कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसे मैंने बताया था EBA, NVA, GVA, ये सब करेंगे। चैप्टर 5 बेटे प्रेफरेंस 15 और प्रेफरेंस 16। ये मैंने कहा जी प्रेफरेंस 15 और 16 वैसे चैप्टर 2 ऊपर जो मैंने प्रेफरेंस दी उसके साथ भी कर सकते हैं, मतलब 12वीं प्रेफरेंस के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन, ये भाई बहन है, आप साथ साथ कर सकते हैं। वैसे मैंने जान के प्रेफरेंस अलग दिया है बेटे। 17वीं से फोर्थ लास्ट आपको देनी चाहिए अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स को। थोड़ा सा टॉपिक मुश्किल है लेकिन आसान है, कोई घबराने की बात है नहीं। वैसे आइए जी, आइए, मैं चाहता हूं कि आप सभी प्रेफरेंस 18 दे दीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, जो आखिरी के 3 है। प्रेफरेंस 19 दीजिए चैप्टर 11 नेशनल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज को, और फिर लास्ट प्रेफरेंस दीजिए अडॉप्शन कन्वर्जेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ IFRS एंड Ind AS। Adoption, convergence and interpretation of IFRS and Ind AS। तो बेटे इस तरह से मैंने corporate accounting के इस subject को 12 chapters as per institute के हिसाब से मैंने उसके 20 बनाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। और आपको पेपर में अब करना क्या है बेटे, मैंने कहा आपको मैंने एक सीरीज दी है जो वीडियो लेक्चर्स में थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन वीडियो लेक्चर्स बेटे, लगभग 60-70 लिखे। फिर मैंने एक सीरीज दी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, और बेटे ऑब्जेक्टिव टाइप को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटे, 5 पार्ट्स। पहला पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दूसरा ट्रू एंड फॉल्स, तीसरा क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको लिखा जाएगा करीना कपूर डैश या करीना कपूर लव्स डैश, अब आपको डैश भरना है। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ हीरोइनें होगी, करीना होगी, कैटरीना होगी, दीपिका पादुकोण होगी, आलिया होगी, और एक तरफ हीरो होंगे,
आपको हीरोइन देखनी है और उसके हिसाब से मैच करना है हीरोज को, बेटे मैच द फॉलोइंग। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पांच कैटेगरीज करके जानी है बेटे। आप खाली ऑब्जेक्टिव टाइप को एमसीक्यू मानते हैं, वो गलत बात है। एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, और बेटे लास्ट में केस स्टडी, 100% केस स्टडी आएगी। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, उसकी मैनेजरियल रेमुनरेशन निकालनी है, उसका इनकम स्टेटमेंट बनाकर प्रॉफिट निकालना है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करने, नहीं तो आप पास नहीं हो सकते। अब करना कैसे है बेटे, मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला काम आपने उन्हीं प्रेफरेंस को उसी तरह से लेना है जैसे प्रेफरेंस मैंने बताई। बेटे हमारे को YouTube से बड़े सारे कमेंट आ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से, कोई ऐसी सिटी नहीं बेटे जहां से नहीं आ रहे। आप हमारे YouTube चैनल में जा सकते हैं, उसमें देखिए हर वीडियो के नीचे क्या क्या लोगों ने, बच्चों ने हमारे बारे में लिखा है। 99% हमें प्रेस किया है। तो मैं समझता हूं अगर आप वो देख लें, जैसे मैंने आपके सामने बड़ा किया, तो आपको सबसे पहला काम बिल्कुल रजिस्टर में नोट कर रहे हैं ना आप। बेटे मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि आपको रजिस्टर लेना है, आपको येलो कलर का, ऑरेंज कलर का हाइलाइटर लेना है और जो जो मैं बोलूं उसको हाइलाइट करना है। बेटे सबसे पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट्स करने चाहिए, थ्योरीज के वीडियोस, बेटे उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने चाहिए और लास्ट में बेटे ऑब्जेक्टिव टाइप करने चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो पहले आप पानी पीते हैं, स्टार्टर खाते हैं, फिर आप मेन कोर्स रोटी खाते हैं, नान खाते हैं, पराठा लेते हैं, पनीर की सब्जी मंगाते हैं, मिक्स वेजिटेबल मंगाते हैं, दाल मखनी मंगाते हैं। तो पहले स्टार्टर क्या है, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। दूसरा मेन कोर्स क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बेटे जब ये सब खा लेते हैं तो अपने माउथ को फ्रेश करने के लिए वही रेस्टोरेंट वाला आपको माउथ फ्रेशनर देता है। बेटे माउथ फ्रेशनर आपको फ्रेश करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेटे लास्ट में करने हैं। जैसे माउथ फ्रेशनर आप लास्ट में खाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा, क्योंकि 99% आपसे क्वेश्चंस हो पाएंगे और आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूं। पहले मत करना, मैं यही बात कहने चाहता हूं। आइए आप सभी को मैं आज के इस लेक्चर में शुभकामनाएं देने वाला हूं। मैं आपसे कहने वाला हूं कि हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दो बुक्स बनाई, एक थ्योरी कंसेप्ट और एक ऑब्जेक्टिव टाइप। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की दो बुक्स बनाई, ऐसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दो बुक्स बनाई, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, और ऐसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हमने उसकी एक ही बुक बनाई, क्योंकि वो थ्योरी है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं थे, तो बुक पतली थी, तो हमने एक ही बुक में लिखा। मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज देखेंगे, आपको खुद अच्छा लगेगा और आप अपना टाइम सेव करें वीडियो लेक्चर्स लेकर, बजाय इसके कि आप क्लासरूम कोचिंग में जाएं। बेटा जमाना चला गया क्लासरूम कोचिंग वाला, अब आपको स्किल हासिल करनी है, आने जाने का टाइम बचाना है। बेटे कंप्यूटर की स्किल्स हासिल करो, बॉडी लैंग्वेज के कोर्सेज सीखो, इंग्लिश कोर्सेज करो, अपना टाइम बचाकर कुछ और भी साथ साथ करो, खाली इस पे डिपेंडेंट मत रहो। अब आपको क्या करना है, आपके कैरियर क्या होना चाहिए, मैंने बड़े सारे वीडियोस अपने यूट्यूब में डाले हैं कि आपको फाइनेंस में इसमें इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्सेज, ये इंटरेस्ट हो तो ये कर सकते हैं, ये इंटरेस्ट हो तो ये कर सकते हैं। आपको सारे कोर्सेज का मैंने वीडियोस कैरियर काउंसलिंग में डाल दिए, घबराने की बात नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस प्रेफरेंस वाले वीडियो से अलविदा लूंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।